Warning: the following video clip contains strong language and has therefore been rated 18 plus by the YouTube NECCA. Viewer discretion is advised. बहुत जल्दी है तुम्हें हमारी गद्दी में बैठने की। मैं पता है यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितने लोगों की जान लेनी पड़ी, इतने लोगों के खून से हमें अपने हाथ धोने पड़े। यहाँ तक कि अपने बड़े भैया तो को हमने छोड़ा नहीं, काहे से कि वो हमारे खिलाफ थे। वो पिताजी की गद्दी हथियाना चाहते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे, इसलिए हमने उनको निपटा दिया। उनके छोटे छोटे टुकड़े करके हमने कुत्तन का खिलाई दिया। और तू हमारे खिलाफ हो, तुमको लगता है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे? कुत्ते की मौत मारेंगे तुमको। चोर रामेश्वर शिवराज के खास आदमी, कई सालों से शिवराज के अवैध काम और काले धंधे को संभालते हैं। ठीक है बॉस, नहीं बचेगा। ओके जू, फिनिश कर दो। जिंदा है कि मर गया? तब तक तो चूहे के बिल में रहेगा जब तक की पोस्टिंग मेरी यहाँ है। तुझे इंडिया से क्या, कानपुर से विवाह नहीं जाने दूंगा। डीआईजी करण मेरा नाम है, मेरा याद रखना।
बिज्जू, तुझे पता है ना आज मेरा जन्मदिन है। तो हर बार मेरे लिए कोई ना कोई तोहफा लेके आया है, लेकिन इस बार तुझसे जो मैं तोहफा मांग रहा हूँ वो मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा होगा। बॉस, छोटे भाई साहब को क्या चाहिए, चीज चाहे जो भी हो, आपका गुलाम अपनी जान दे के भी वो तोहफा लाएगा, बस आप हुक्म करिए। जान दे के नहीं, जान लेके आनी है। DIG करण मेहरा को मारना है, साला कुत्ते की माफी अपन के पीछे पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं अपना होने दे रहा है। मैं इंडिया के बाहर भी उसके पीछे नहीं जा पा रहा हूँ। जब तक वो साला खत्म नहीं होगा तब तक मैं कोई जश्न नहीं मनाऊंगा। बस आप बस जश्न की तैयारी करिए, अपन DIG को मार के अपना तोहफा आपको जरूर देगा। जाजू, मैं तेरा इंतजार करूंगा, जा उसको खत्म करके आ। रामेश्वर तू जा, आता हूँ। अज्जू अब चल, DIG का गेम खत्म हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। लाओ ना, तू जा मैं आ रहा हूँ। चलना अज्जू। मैं बोल रहा हूँ ना, तू चल मैं आता हूँ अभी। समझ गया, सर ने तो साले को जेल में मेरा नमक बहुत खा चुका है, अब खाएगा हवालात की रोटी। शिवराज ने तुमको अपने फायदे के लिए यूज किया था, उसका तो काम हो गया, वो तो आसानी से इंडिया के बाहर चला जाएगा, तुमको तो जेल में सड़ने के लिए छोड़ गया। रामेश्वर, मुझे पता था साला कुत्ते की जात है, अपुन ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, साला अपुन से पंगा लिया। रामेश्वर, अब देख उसकी बनाई हुई दुनिया पे अपना नाम कैसे लिखता हूँ। वो सब तो ठीक है, तूने यहाँ से निकलने का कुछ सोचा है? तेरी उम्र कैद की सजा है अज्जू, उम्र कैद की। तू गाय को टेंशन ले रहा है, अपुन का इंतजार करना वहीं पे जहाँ से शिवराज ने शुरुआत की थी। ठीक है, समझ गया मैं, कल दोपहर का खाना खाते है ना साथ में।
गया, अभी तक अज्जू आए नहीं यार, क्या करे। पीछे देख अपुन इधर ही खड़ा है। साले तू कितना टाइम लगा दिया तेरे, अपुन की तो जान ही निकल गई थी। अपुन बहुत टेंशन में था, तू जेल से भागते हुए पकड़ा ना जाए। साला अपुन के लिए ऐसा कोई पुलिस चौकी नहीं बना जो अपुन को एक दिन से ज्यादा अंदर रोक सके। सही कहा भाई, अब अपुन लोगों को शिवराज के खास आदमी के पास पहुंचना है, जो दो नंबर का धंधा करता है ना, शिवू और अकरम। शिवू के पास जाएगा, मैं अकरम के पास जाऊंगा, पहले प्यार से समझाने का, नहीं तो फिर उसको टपकाने का। क्या बात है, तू तो बड़ा प्रोफेशनल गैंगस्टर निकला, मेरे आने से पहले ही पूरा प्लानिंग कर रखा है। वाह, आई लाइक इट। चल चलते हैं, एक नई शुरुआत करने हैं जहां हम और हमारी पूरी गैंग होगी। तुम लोग जो शिवराज के लिए काम कर रहे थे ना, अब से मेरे लिए करोगे। शिवु सिर्फ दादा की गैंग में काम करेगा, और किसी की गैंग में काम नहीं। मुझे हराकर मेरी कोई जान भी ले जाए मुझे मंजूर है, पर दादा की गैंग को धोखा देने वाले को मैं दोबारा मौका नहीं दूंगा। अज्जू भाई, इन लोग की गैंग को खलास करने का है। तो क्या देख रहा, छोड़े खलास। फोन आया था, दादा अच्छू किसी छोड़ेगा नहीं, वो अपुन को भी मार डालेगा, वो अपुन को भी मार देगा, मैं यहाँ पे छुपा हूँ। भैंचोद अकरम, किसी भी हालत में अच्छू जिंदा चाहिए। साला मेरे खिलाफ जा रहा है, कुत्ते की मात मारूंगा उसको। लेके आओ साले को काली घाट पे। आपका हुक्म सर, आपको पड़ता है।
बहुत जल्दी है तुम्हें हमारी गद्दी में बैठने की। मैं पता है यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितने लोगों की जान लेनी पड़ी, कितने लोगों के खून से हमें अपने हाथ धोने पड़े। यहाँ तक कि अपने बड़े भैया तक को हमने छोड़ा नहीं, काहे से वो हमारे खिलाफ थे। वो पिताजी की गद्दी हथियाना चाहते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे, इसलिए हमने उनको निपटा दिया। उनके छोटे छोटे टुकड़े करके हमने कुत्तन का खिलाई दिया। और तू हमारे खिलाफ हो, तुमको लगता है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे? कुत्ते की मौत मारेंगे तुमको। साला हमारे खिलाफ। आज से तुम्हारे और भाई के ऊपर पूरे कानपुर की जिम्मेदारी है। तुम दोनों ने मेरा विश्वास जीत लिया है। तुम दोनों आज से मेरे राइट और लेफ्ट हैंड हो। गुरिया दादा, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, आज के बाद कानपुर में किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके खिलाफ आवाज उठाने की। भाई, आपके भाई को शिवराज ने मार दिया। कैसा है? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही कॉलेज में? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही मेरी पढ़ाई, फर्स्ट क्लास एकदम। बस मन लगाकर पढ़ाई कर, और कोई चिंता मत करना, तेरा भाई अभी जिंदा है। बस भाई, मेरे बड़े भाई का साया मेरे सर पे है, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। और जल्दी से पढ़ाई खत्म करके आ जा, तुझे देखे हुए कितना टाइम हो गया रे। मेरे को भी भाई आपकी बहुत याद आ रही, जल्दी से पढ़ाई खत्म करके मैं मिलने आता हूँ आपसे। चल अभी रखता हूँ। ठीक है भाई। अज्जू भाई, तेरी मौत का बदला मैं लूंगा। इस कानपुर में अब मैं अपनी गैंग बनाऊंगा, अपने नाम का थप्पा छोड़ूंगा। इस कानपुर में अब शिवराज का नाम नहीं, देवा की गैंग का नाम रहेगा। अज्जू भाई, बहनचोद, अपने बाप को नहीं बचाना? भार्गव दादा बोल रहा हूँ, काम सही टाइम पे हो जाना चाहिए। रख मादर चोद। दिन कानपुर में गैंगवार बहुत विकराल रूप ले रहा है।
अब तो सर कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सर कानपुर में अपराध इतना बढ़ जाएगा, नहीं तो आने वाली नस्ल भी इसमें मशगूल हो जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आज ही दिल्ली फोन करके स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाता हूँ। सूर्या, जफर, मुन्ना और राजीव, आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों को यहाँ बहुत बड़े गैंगवार को खत्म करने के लिए बुलाया गया है। आप लोगों के बारे में हमने बहुत सुना है कि जहाँ जहाँ भी आप लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ कोई गैंग तो छोड़िए किसी की हिम्मत नहीं होती चोरी करने की। आप लोगों ने 26 शहरों को गैंगवार से मुक्त कराया है, वैसे आप हमारे कानपुर शहर को भी बिल्कुल साफ कर दीजिए। सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अब सूर्या इस शहर से तभी जाएगा जब तक यहाँ पर अच्छाई को उजाला न फैला दे। लेकिन ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को एक जासूस की तरह काम करना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये काम पुलिस वालों का है। नहीं तो ये साले पॉलिटिशियन वाले जो गैंग को पालते हैं वो ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए सारा काम अंडरग्राउंड होना चाहिए। सर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप बस तैयारी करवा दीजिए। सर जरा हम भी तो देखें हमसे बड़ा हरामी कौन है। वो तो अब पता चलेगा आप लोगों के यहाँ आने से। एक एक गैंगवार को कानपुर से हटाना है, जिसमें पहला नाम आता है भार्गव दादा का। भार्गव कानपुर नॉर्थ का गैंग चलाता है जो ड्रग्स, चरस और बहुत सारे काले धंधे करता है। कानपुर नॉर्थ में किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती कि उसका सामना कर पाए। एक बार तुम्हारे जैसे ऑफिसर से उसका सामना हुआ था, 10 साल हो गए आज तक उसका पता नहीं चला। इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ जिसको ये मिशन छोड़ के जाना है वो जा सकता है। सर यही बात हमारे कुलदीप सर ने बोला था यहाँ आने से पहले, जो आप बोल रहे हो। सर मैंने यही फैसला किया है, जाऊँगा तो इज्जत के साथ, वरना पूरे गैंगवार को ख़त्म करके खुद शहीद हो जाऊँगा। जफर, राजीव और मुन्ना, हम चारों लोगों का एक ही मिशन है, कानपुर से उन हरामियों को हटाना जो इस कानपुर शहर को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। हम उन चारों को ऐसी मौत देंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ी 7 पुश्तों तक याद रखेगी। कल सुबह हम लोग का पहला टारगेट होगा भार्गव दादा। अभी मुझे खबर मिली है कि वो शनिवार को कोयलाघाट के नदी किनारे कच्ची शराब लेकर शहर में सप्लाई करता है। हम लोग को कल के लिए रेडी रहना होगा। ठीक है सर, आज मिशन कंप्लीट। आज भार्गव दादा और उसके नाम का डर लोगों के दिमाग से निकाल देंगे। हाँ सर, मिशन कंप्लीट होने के बाद मुन्ना सर की तरफ से पार्टी रहेगी, क्यों जफर? क्यों नहीं, वैसे भी मुन्ना भैया इतने कंजूस हैं, इनकी शादी हो गई और इनके बच्चे भी हो गए, हमें लगता है इनके बच्चे के बच्चे हो जाए ना तब भी लगता पार्टी नहीं मिलेगी, क्यों सर? नहीं हो भार्गव दादा हैं, अपने डिपार्टमेंट पूछ लेना हमारे बारे में। बम के लिए आइटम बम,
मारता हूँ ज्यादा डराता हूँ कम। नाम सूर्य प्रताप सिंह। जिस शहर में गया हूँ वहां से क्राइम का नामो निशान मिटा दिया है, तो तुझ जैसा कीड़ा क्या चीज है। स्वागत है एटीवी न्यूज में। मैं विशाखा अग्निहोत्री आज आप सबको दिखाना चाहूंगी कानपुर के मशहूर किडनैपर और ड्रग डीलर जो कि भार्गव दादा पूरे कानपुर में अवैध व्यापार करते हैं। कानपुर के चार महान ऑफिसरों ने भार्गव दादा का खौफ मिटा दिया है। जी हाँ, कानपुर से भार्गव दादा का बिल्कुल खौफ मिट चुका है। रिपोर्ट के साथ मैं विशाखा अग्निहोत्री आप सबसे फिर मुलाकात करूंगी। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जल्दी बोल। नहीं भाई, अपुन किसी की सुपारी देने नहीं आया है। तू काहे को आया रे? खाली पिलिया अपन को टाइम वेस्ट करने। चल निकल यहाँ से। शर्मा भाई, आपके साथ काम करना है मुझे। देख, ये बच्चों का खेल नहीं है, इसको बोलते हैं घोड़ा। इसको यहाँ लगाने का 2 सेकंड में आदमी हिजड़ा बन जाता है। चल निकल। धर्मा भाई, मैं आपको बहुत इज्जत दे रहा हूँ। नहीं तो क्या कर लेगा बे? अपुन लोग के भाई के सामने आवाज नीचे करके बात करने का, क्या समझा? भाई, मुझे आप लोग साथ काम करना है। अपुन जरूरत पर काम नहीं करता, सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। चल 10 पेटी दे अभी, बात का खोकट नहीं। चल, इधर खड़े नहीं होने का, चल निकल। लेकिन ये गैंग अधूरी है, इसको पहले पूरी करनी पड़ेगी। मैं समझा नहीं। शूटर रवि प्रताप, जो कानपुर का सबसे बड़ा शूटर है, यमराज का निशाना चुक जाएगा लेकिन कभी उसका नहीं। कहाँ मिलेगा प्रताप राज? वहीं जहाँ शेर अपना शिकार करता है, जंगल में। Thank you.
राज, वाह मजा ही आ गया। जितनी मोहब्बत तुम अपनी गन से करते हो, काश हमसे भी कर लिए होते। गन से जो मोहब्बत करने मजा ना बरखुरदार, वो साला किसीला के जमाने में भी नहीं है। क्या बातें करना भाई, पूरी गैंग लेके अपन को टपकाने आया क्या? अरे आप बोलता तो अपन उतरी चला जाता। काय को टेंशन लिया खाली पीली दादा के? प्रताप, अपन को तेरी खास जरूरत है, अपन के साथ काम करेगा क्या? देख भाऊ, अपन तो तेरे साथ काम नहीं करेगा क्योंकि अपन को कोई काम ही नहीं आता है। हाँ, किसी को पलटाना है तो बोल, अपन इसमें बहुत माहिर है। और किसी से भी पूछ ले, लालटा क्यों नहीं पालटा। हाँ प्रताप, टपकाने का ही है शिवराज और उसकी पूरी गैंग को। अब चलेगा डीडीएलपी गैंग, देवा, धर्मा, लालता, प्रताप। अपुन लोग अक्खा पूरे कानपुर में अब राज करेगा। आतर चोट शिवराज ने मेरे भाई को मारा, गांड में घुस के गोली मारेंगे मादर चोट की। क्यों नहीं भाई, अपुन भी आपके साथ चलेगा। गांड में घुस के गोली मारेंगे मादर चोदों की। तेजा भाई और उसकी पूरी गैंग आई है। ए दादा, काहे को बच्चे लोगों को परेशान कर रहा है? तू उधर गोवा में बैठ के गोरी मैम के साथ कबड्डी खेल रहा है और यहाँ तेरे फंटर लोग तेरे लिए कितना रिक्स ले रहे हैं। दादा अब कान खोल के सुन ले, अब कानपुर में देवा और उसकी गैंग के अलावा हमारे सामने अगर तूने किसी और को खड़ा करा तो मां कसम तेरी पूरी फौज को मिटा देंगे। क्या समझा? अब तू देख गोली देख कैसे चलती है। अपुन से डरेगा नहीं तो मरेगा साला। क्या भाई, तू भी बच्चा लोगों से डर गया क्या? वो गन के मामले में कानपुर से हटाने की बोल दे रहे। नहीं रे छोटिया, यहाँ कितने आते हैं भाई बनने, लेकिन दो चार महीनों में नाली के कीड़े बन जाते हैं। मैं जब चाहूँ इन्हें पैरों से रगड़ कर खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं, कोई और खत्म करेगा। कहाँ जा रहे हो तुम? शाम रास्ते पे जरा हमको मजा दे दो। सुनो तो,
घोंसड़ी के अखा कानपुर में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई मेरी महबूबा को हाथ लगा दे और तुम दोनों ने छेड़ा उसको। रो भाई जाओ। सही वो दो लोग पंटर थे ना, तुमको छेड़ रहे थे। भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रहा भाई, मुझे माफ कर दो लालता भाई, अब नहीं होगा दोबारा बोलता भाई। हाँ मैं वही लालता तो चोर नहीं पालता जा। मैडम आपकी बारी मुझे माफ कर दीजिए, आपकी बारी ऐसी गलती नहीं। सब अंडरग्राउंड हो जाओ, यहाँ बाहर का माहौल बहुत खराब चल रहा है, कोई भी बाहर नहीं दिखना चाहिए। Oh!
चलते आइए, हमको पता था आप यहाँ तक जरूर आएंगे। अब आ ही गए हैं, आपको भी वहीं पहुँचाएंगे जहाँ आपके बड़े भाई को पहुँचाया। लोगों को बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, दो चार को मारकर DDLP गैंग बना रहे, हमारे दादा से पंगा ले रहे हो। अभी तुमको मालूम नहीं हमारे दादा कितनी पहुँची चीज है। जा अपने मरे हुए भाई की कब्र से जाके पूछ शिवराज दादा क्या चीज है। सही बोल रहा है, मेरे भाई ने बताया था। साले तेरा भाई मादर चात है, साले धोखे से मारा मेरे भाई को। शिवराज मादर चोट को ऐसी मौत दूंगा, उसकी लाश अर्थी में नहीं पॉलिथीन में जाएगी। उसके मेरा सामान के बेटी चोट, साला हम लोग से कब तक छुपेगा वो? कभी ना कभी तो चूहे के बिल से बाहर आएगा, और जिस दिन बिल से बाहर आएगा उस दिन कानपुर के फ्रंट न्यूज़पेपर पे उसके मौत का किस्सा होगा, सबको सुनाया जाएगा कि इनका भी कोई बाप था। समझा ना भोसड़ी के, अब चलेगी तेरे गांव पे गोली। तुम लोग उसका कभी भी पता नहीं लगा पाओगे। साहब बस देसी कट्टे साहब, वो कुछ नहीं साहब। किसने भेजा है तुझे? देवा गैंग का है सर, देवा गैंग। कौन देवा? देवा भाई गैंग, DDLP गैंग ने दिया है साहब ये कट्टा। साले तुम लोग,
रंजीत, उस दिन तेरी डॉन के नाम से गांड पड़ गई थी। अरे कहाँ भाई, आप भी कैसा मजाक कर रहे हो। हाँ साले, तुम्हारी गांड तो मुझे सीमेंट से बनी ना, जो नहीं फटती। उसको देखो। बस करना, अबे छाती फाड़ेगा क्या? इतनी अच्छी बॉडी मिली है, कुछ कर तो पाता नहीं है, गोली मारने में तेरी गांड फटती है। कर्मा भाई, ज्यादा चोद नहीं फैलाने का, ऐसी बॉडी बनाने के लिए ना गांड फट जाती है, समझा क्या? निकल अब यहाँ से। आ बोल। अपन को कुछ हथियार चाहिए। कोड बता। DDLP। माल मिल जाएगा। माल चाहिए इसको। उसे बोल अपन के बच्चा लोग तेरे पास माल लेके पहुंचेगा, तू बस उसका पता बता। चल बता क्या चाहिए तेरे को। 2 राइफल, 5 सिक्सर और कुछ पुड़िया। अपना एड्रेस बता। जाजमो पुराना कब्रिस्तान के पीछे, 11 बजे। पहले 5 लाख कैश एडवांस और उसके बाद डिलीवरी, क्या समझा? और हाँ, ज्यादा शान पत्ते नहीं दिखाने का, और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तू अपन से माल ले रहा है, क्या समझा? मुझ पर भरोसा कर, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। अपन को लगता है कि इसकी बातों में बहुत बड़ा झोल है। काय को टेंशन ले रहा है भाई, चलना कहीं चल के दारू पीते। आ रहे हैं साले DDLP गैंग के कुत्ते, बच कर नहीं जाने चाहिए साले। DDLP। रोकड़ा लाया? हाँ रोकड़ा लाया हूँ। चल ठीक है। सर इन सालों को ही टपका देते हैं, क्या बोलते हैं आप? नहीं राजवीर, अभी थोड़ा गेम को एंजॉय करते हैं हम लोग। ये वही वजीर है जो अपन को राजा तक लेके जाएगा, तब हम लोगों को पता चलेगा कि DDLP गैंग कौन है और इसका मालिक कौन है। निकल गए साले। हाँ सर निकल गए साले, चलिए चलते हैं। हाथ से निकल गए, लेकिन अगली बार वो बचकर हाथ से नहीं जाने चाहिए। पूरी प्लानिंग कर लो ना, कल वो सुबह 11 बजे जाजमो टीले पर हथियार लेकर आएंगे। आपको उन्हें रोकड़ा देना है और उनसे हथियार लेना है, और हम लोग पीछे से कवर अप कर लेंगे। इस बार वो बचकर हाथ से नहीं जाने चाहिए। ठीक है सर, हम रेडी हैं। We'll be right back.
नीचे करके अपने आप को सरेंडर कर दो। अपने बॉस का नाम बता जिसके लिए तू काम करता है, जल्दी बता वरना यही ठोक देंगे तेरे को। कहाँ है तेरे भाई लोग? साहब वो सब चले गए यहाँ से। तुझे क्या लगा ये चोर पुलिस का गेम सिर्फ तू ही खेल सकता है? हाँ अपुन लोग के भाई को पकड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। और सुन ये टॉन को डायलॉग नहीं ये अपुन लोग को डायलॉग है रियल वाला, क्या समझा? अगर दम है तो पकड़ के दिखा, समझा भोसड़ी के? पकड़ूंगा भी और तोड़ूंगा भी और गिरफ्तार नहीं करूंगा, तुम साले गंदी नाले कीड़ों का एनकाउंटर करूंगा, ये एसपी सूर्य प्रताप सिंह का वादा है। बोल रहा है प्रताप, आज से तेरे पूरे धंधे का आधा प्रॉफिट अपुन लेगा। शिवराज जी साले चढ़ा रखी है क्या बे तूने बेवड़े? अभी तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ। 10 मिनट में तुझे पता चल जाएगा। चल रख फोन, तू बच्चा है अभी। कानपुर का सबसे बड़ा बिल्डर मुकेश मित्तल जो शिवराज का बहुत खास आदमी है। बच्चा समझता है? हाँ लगा अपने आदमी को, लगा डीडीएलपी गैंग आई है। रंजीत सुना भाई ने क्या कहा? अपने आदमी को फोन कर और उनसे बोल 10 पेटियां लेके आए, ज्यादा होशियारी करी तो ये ठोक देंगे तुझको। सालों तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा और तुम लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। आ गए मादर चोद। गाली दे रहा था बैठिए। देखिए डरिए मत, हम यहाँ पर आपको नुकसान नहीं पहुँचाने आए, सिर्फ आपकी मदद करने आए। आप लोग किस बात की मदद बोल रहे हैं? मैंने तो किसी से कुछ बोला ही नहीं। आपने कुछ नहीं बोला पर हम आपको कुछ बताने आए हैं। आखिर आप लोग बताना क्या चाहते हैं मुझे? लाल तक जान खतरे में है, कुछ ही देर में वो मार दिया जाएगा। आप लोग किस गलत फहमी में हो, उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम सबको पता है उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका खास दोस्त ही अगर उसको मार दिया तो क्या कह
कहना चाहते हैं आप? वही जो आप सुन रही हो, देवा और उसके साथी लालता को मारने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो, नहीं तो अब लालता को हमेशा के लिए खो देंगे। देखो, लालता को फोन करो और उससे पूछो वो कहाँ है, बस इतना ही करना है। अगर तुमने उसे बताया कि उसकी जान खतरे में है तो वो लोग उसे तुरंत ही मार देंगे, बस इतना ही करना है। बोलो। हेलो, कहाँ हैं आप? अपुन तो अपने भाई लोग के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, फोन रख, मिलता हूँ मैं। अभी वो इस टाइम काशीराम कॉलोनी में है। क्या बात है भाई, आज बहुत रोमांटिक मूड में है भाभी। नहीं रे छोटिया, वो अपुन तो बहुत प्यार करती है। सबका तो पता चल गया, लेकिन दो मादरजात जादमो चुंगी पे हैं। आज वो दिन आ गया है, आज डीडीएल बिगेन का किस्सा खत्म। ठीक है सर, आज हम भी मूड में हैं। चलिए फिर। धर्मा इतनी दूर निकल गया है कि तुम क्या, तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट उसको कभी पकड़ नहीं पाएगा। तू तो पकड़ में आ गया है, अब तेरे धर्मा भाई की बारी है। अब इसका क्या करें सर? वही जो करने आए हैं। क्या सोच रहे हैं सर? देखो, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। हम लोग को नहीं पता ऊपर कितने लोग हैं। उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम चार ही हैं। उन्हें ये लगना चाहिए कि हम ज्यादा हैं। इसीलिए अंदर जाते वक्त हम लोग को लगातार फायरिंग करनी होगी। ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? अपुन को क्या होगा, अपुन तो बैठा है अपने भाई लोग के साथ। हाँ, तेरे को कसम है अपुन की, तू कुछ छुपा रही है अपुन से। सच्ची सच्ची बता। यार लगता है अपन लोग का किस्सा खत्म। जानी जी जाके देख जाके। लालता, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल रहे हैं भाई, अभी अपन लोग नीचे जाते हैं और देखता है नीचे क्या चल रहा है। की फील्डिंग लग गई है। अभी अपना छोटे गया ना नीचे, अगर ऐसा कुछ होता ना सीधा आप उनके पास भाग के आता। और वैसे भी एक नंबर दोनों फट्टू हैं।
भाई, लगता है आज वो अपना एनकाउंटर करने का मूड से आए। बाकी काय को आए रे? अपुन तुमको ये बताना चाहता, अपुन फट्टू नहीं है। गैंग लेके यहां से निकल जाता। आज अपन को लगता है मरेंगे या मारेंगे, तुझे क्या लगता है? तू मरेगा साले। मरेगा कुत्ते की मौत। तो मार के दिखा अपुन को, तो पता चले कि पुलिस वाले के अंदर कितना दम है। छाएगी छाए गोली, सब काम चोर निकली। अपुन को मारना है ना, तो इधर नहीं, इधर मार। क्यों अपुन लोग के पीछे पड़ा तुम लोग? दम है तो गन नीचे करके बात कर। चल तेरी भी तमन्ना मैं पूरी कर देता हूँ। मार मुन्ना।
जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, कब किसके यहाँ खुशियां और कब किसके यहाँ गम। जिंदगी साली गोल गोल वही आकर खड़ी हो जाती है जहां उसे आना होता है। साला तुम लोग की एक ही सरकारी गोली इतने बड़े आदमी को खाक में मिला देगी आज। क्या समझे, मिलते हैं फिर। तेरी कहानी में जीता था बेटा तेरा, तू ही बता माँ क्या झूठा था किस्सा तेरा। आंसू बहाना माँ एक दिन नमस्कार, मैं विशाखा अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करती हूँ चैनल एटीवी न्यूज में। आज ही सबसे बड़े गैंग्स फॉर का खात्मा हुआ है, डीडीएलपी गैंग, जिसे लीड कर रहे थे देवधर्म लालता और प्रताप, जिसे अंजाम देने वाले हमारे एसपी सूर्य प्रताप और उनकी टीम, जिन्होंने आज ये साबित कर दिया है कि क्राइम चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो लेकिन उसमें सच की जीत होती है। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मैं विशाखा अग्निहोत्री आप सबसे अलविदा लेती हूँ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो सर, मिशन कंप्लीट। आज कानपुर के सारे गैंगस्टरों का खात्मा हो चुका है, लेकिन सर दो बैड न्यूज भी है। हमारी टीम के एक ऑफिसर जफर खान इस एनकाउंटर में शहीद हो गए, और डीडीएलपी गैंग का धर्मा इस शहर से भाग चुका है। वेल डन ऑफिसर, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, अब वो साला कानपुर शहर में आ नहीं पाएगा। जय हिंद सर। Ha ha ha!